हाँ नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एक न्यूज़ आ रहा है, और न्यूज़ ये है कि आईएमओ यानी जो भी बच्चे SOF के थ्रू आईएमओ का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था लेवल 1 का, वो क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक के सारे बच्चों का जो है कट ऑफ आ चुका है कि कट ऑफ मार्क्स कितना रहा और कट ऑफ में जो है आपका अगर कितना नंबर बन रहा है तो आप जो है लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हैं। ठीक है, रिजल्ट जो है इसी 23 तारीख को आने वाला है, रिजल्ट जो है इसी 23 जनवरी को आने वाला है, और लेवल 2 का जो एग्जाम होने वाला है वो 11 फरवरी को होने वाला है। तो आप लोगों के पास ज्यादा समय भी नहीं है कि इसकी प्रिपरेशन कर पाए, लेकिन कट ऑफ मार्क्स देख के आपको ये एक छोटा सा जो है आइडिया मिल गया होगा कि आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा रिजल्ट बन रहा है तो आप अभी से जो है लेवल 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो मैं एक एक करके आप सभी को यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स के बारे में बताऊंगा कि कट ऑफ मार्क्स जो है क्लास वाइज, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज जो है, सब्जेक्ट वाइज आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगे, उसमें किसके कितने कितने अगर नंबर आ रहे हैं तो आप ओवरऑल क्वालिफाई कहलाएंगे। तो मैं यहां से आप लोगों के लिए लेके आया हूं आईएमओ का लेवल 1 का कट ऑफ मार्क्स डिस्कशन करने 2023 का। 2023-24 सेशन मतलब क्या है कि 23 और 24 में अभी बहुत सारे बच्चों का जो है सेशन 24 भी चल रहा है, यानी 23-24 सेशन इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्लास की बात करूं तो सबसे पहले मैं यहां क्लास लिख रहा हूं, ठीक है। क्लास के बाद जो है यहाँ पे टोटल नंबर है आपके पास, टोटल मार्क्स कितना बन रहा है, ठीक है, ये हो गया टोटल मार्क्स। अब इसमें कुछ सेक्शन भी है, जैसे कि हम लोगों का अचीवर सेक्शन था उसको M4 में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है मैथमेटिकल रीजनिंग था जिसको M2 में रखा गया है। उसके बाद एवरीडे मैथमेटिक्स तो जो था उसको M3 में रखा गया है, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग जो था उसको M1 में रखा गया है। ये इस तरीके से एक डाटा बनाया गया है, इस डाटा में जो है आपको बना के जो है रखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कैसे आप लोग कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर आपका ऐसा लग रहा है कि मेरा जो है इतना स्कोर आ रहा है तो आप वेल एंड गुड हैं, आप जो है अपनी तैयारी में लग जाइए कि अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, आगे की प्रिपरेशन आप कर लीजिए। सबसे पहले अगर मैं क्लास 3 वालों के लिए बात करूं, क्लास 3 के लिए, ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो आ रहे हैं वो 33 नंबर आ रहे हैं। अगर आपका 33 नंबर आ रहा है, अगर आपका 33 नंबर बन रहा है तो आप जो है लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 33 नंबर में क्या क्या चाहिए भैया, तो 33 नंबर में आपको जो भी मैंने बताया अभी अचीवर सेक्शन जिसको हमने M4 का नाम दिया था उसमें आपके 6 नंबर बनने चाहिए, ठीक है। M2 का मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग, उसमें आपके 9 नंबर बनने चाहिए। एवरीडे मैथमेटिक्स M3, इसमें जो है आपके 9 नंबर बन रहे हैं, बनने चाहिए। उसके बाद जो है लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं M1 में आपके 9 नंबर बनने चाहिए। तो इन टोटल को 9 × 28 = 27 और 6 जो होगा 33, ये बन रहा है मेरा 33 नंबर। क्लियर है भाई कि यहाँ से अगर आपके इस तरीके से आ रहे हैं नंबर तो आप जो है लेवल 2 के लिए क्या है, क्वालिफाइंग है। ये क्लास 3 वालों के लिए मैंने बताया कि क्लास 3 के लिए ये कहानी थी इस तरीके से कि अगर आपके 33 नंबर आ रहे हैं तो आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हैं, M1, M2, M3 और M4 में इतने इतने नंबर गए हैं, ठीक है। ये क्लास जो है आपका किस में था भैया, ये क्लास 3 वालों के लिए था। क्लास 4 वालों के लिए जो है भैया कितना नंबर रहा, क्लास 4 वालों के लिए रहा है 31 नंबर, यानी आपके 31 नंबर आ रहे हैं तो आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हैं। अब 31 नंबर में आपको मैं बता दूं, M4 में जो है आपके कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। M2 में जो है आपके 9 नंबर होने चाहिए। M3 में जो है आपके 8 नंबर होने चाहिए, और M1 में जो है आपके 8 नंबर होने चाहिए। तो ये टोटल मिला के 31 नंबर बन रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो क्लास 4 में है, क्लास 4 का जो कट ऑफ गया है वो 31 गया है, क्लास 3 का जो कट ऑफ गया है वो 33 गया है, ये कट ऑफ हुआ क्लास 3 और 4 के लिए। अब हम बात करेंगे क्लास 5 के लिए, ठीक है। जरा क्लास 5 वालों के भी एक बार देख लें कि क्या चल रहा है उनका। तो क्लास 5 वालों के लिए है ये 5th क्लास, ठीक है, क्लास 5। यहाँ पे क्लास 6 भी बता देता हूँ, यहाँ 7th भी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्लास जो है मेरा क्या है भैया, क्लास 5 के लिए, क्लास 5 के लिए टोटल जो रहा वो 44 नंबर रहा, ठीक है। क्लास 5 के लिए 44 नंबर, क्लास 6 के लिए 47 नंबर,
क्लास सेवेंथ के लिए 43 नंबर, ये नंबर बन रहे हैं, ठीक है। अब एम वन एम टू जो भी मैंने बताया आपको, एम फोर में आपको 9 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। एम टू में जो है आपके बन रहे हैं भैया 16 नंबर, ठीक है। एम थ्री में जो है आपके बन रहे हैं 8 नंबर, और एम वन में जो बन रहा है आपके 11 नंबर बन रहा है। यानी क्लास फिफ्थ वालों के लिए ये कट ऑफ रहा कि आपका 44 नंबर यानी 44 नंबर जो है अगर आ रहे हैं, आपने चेक किया होगा, तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्लास सिक्स वालों के लिए। क्लास सिक्स वालों के लिए कितने नंबर चाहिए भैया? तो क्लास सिक्स वालों को चाहिए 47 नंबर, 47 नंबर जो है इनका कट ऑफ बन रहा है, 47 नंबर आ रहा है, तो आप जो है भैया क्वालिफाई हैं। अब इसमें कैसे कैसे नंबर आ रहे हैं, एम फोर, एम टू, एम थ्री और एम वन, ठीक है। ये एम वन एम टू मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था। हाँ, सिक्स वालों के लिए जो है 9 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर और ये 13 नंबर बन रहा है। टोटल जो बन रहा है वो 47 बन रहा है। क्लास सेवेंथ वालों के लिए जो है भैया एम फोर, एम टू, एम थ्री, एम वन, जरा एक बार चेक कर लीजिएगा कितने कितने बन रहे हैं। तो क्लास सेवेंथ वालों के लिए जो है यहाँ पे 15, 16, 2 और ये 10, ठीक है। ये कट ऑफ रहा है इनका। कट ऑफ का मतलब क्या है कि जो भी मैंने आपको अभी बताया, ये क्लास जो है फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ का था, इसके पहले मैंने क्लास थर्ड और फोर्थ के लिए बता दिया। अब हम लोग चलते हैं क्लास एट, नाइन और टेंथ के लिए, ठीक है। इलेवन ट्वेल्थ भी बता देता हूँ आपको। तो क्लास ये एट, नाइन और ये टेंथ का था। तो एट का जो कट ऑफ गया है मेरे दोस्त, वो गया है 45 नंबर का, ठीक है। क्लास नाइन्थ का जो गया है वो 48 का गया है, और क्लास टेंथ का भी जो है वो 48 ही नंबर गया है। यहाँ से आपको समझ में आ गया, यानी यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ कि M4 में क्या रहा, M2 में क्या रहा, M3 में क्या रहा और M1 में क्या रहा, ठीक है। क्लास एट, क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ, ठीक है। तो क्लास सबसे पहले हम लोग एट का डिस्कशन कर लेते हैं। M2 में जो रहा 12 नंबर, ठीक है। उसके बाद रहा 18 नंबर, उसके बाद 4 और उसके बाद 14। ये क्लास 8 का कट ऑफ था, 45 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल लेवल 2 के लिए लग जाइए, लेवल 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सेम कहानी हम लोग बात करेंगे क्लास 9th वालों के लिए। तो क्लास 9th वाले भैया देख लें एक बार ज़रा, ठीक है। तो क्लास 9th में M2 के लिए जो गया है वो 12, 18, 4 और ये 14 गया है। क्लास टेंथ वाले भी देख ले भाई अपना जरा एक बार, कि जो भी क्लास टेंथ में है अगर वो इतने नंबर अगर आ रहे हैं तो आप जो है इसके लिए क्वालिफाई हैं, 9, 17, 9 और ये 13, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ था मैंने आपको बताया क्लास थर्ड से लेके क्लास टेंथ तक के, 11, 12 के भी हैं, बट 11, 12 में जो है वो अचीवर सेक्शन एक होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, एवरीडे मैथमेटिक्स होता है और लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो 11, 12 का बस मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि 11th और 12th का जो गया है वो गया है आपका कितना, 11th का 40 गया है और 12th का जो गया है वो 42 गया है, ठीक है। अब ये जो भी नंबर आते हैं अब इसी के बिहाव पे जो है आपका आगे सिलेक्शन होगा, और इसी के बिहाव पे जो है आगे आपका लेवल 2 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके जो भी रिजल्ट आएगा जो 23 तारीख को आने वाला है, 23 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अभी जो मैं M1 और M2 जो लिखा था आप लोगों के लिए, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि M1 और M2 क्या था। तो M4 के लिए जो मैंने रखा था आपको, उसको हम लोग बोलते हैं अचीवर सेक्शन। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज भी होंगे कि सर क्या लिख रहे हो, इसको M4 में रखा गया है, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं अचीवर सेक्शन। उसके बाद जो है एक मैथमेटिक्स रीजनिंग, ठीक है, जो मैथमेटिक्स रीजनिंग है उसको जो रखा गया है वो M2 में रखा गया है, आप एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है एवरीडे मैथमेटिक्स, जो एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा ये सारी चीज़ें उसमें थी, एवरीडे मैथमेटिक्स को जो है M3 में रखा गया है। और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, जो भी मेरे से पढ़े होंगे लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिक्स उनका तो स्कोर बेहतर ही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये M4 रखा गया, M2, M3 और M1। मैंने बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स के ऊपर वीडियो बनाया था,
जिसमें मैंने आपको सब क्लास के बच्चों को जो है कवर किया था, यानी क्लास 3rd से लेके क्लास 10th तक के, इनफैक्ट 11th 12th वाले भी बच्चे जो थे वो लॉजिकल रीजनिंग देख के मेरे से पढ़े हैं। और बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन बहुत बच्चों का होगा, NSO में भी मेरे बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन हुआ है उनका, ठीक है। अगर आप लोगों में इतने नंबर आ रहे हैं तो आप जो है भैया लेवल 2 के लिए लग जाइए अभी से, ठीक है। लेवल 2 के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। लेवल 2 के लिए जो बात कही गई है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि द अबव द कट ऑफ मार्क्स, सुन लीजिएगा जरा ध्यान से, कि अबव द कट ऑफ मार्क्स अप्लीकेबल फॉर द डिटरमाइन द 5% स्टूडेंट्स क्लास वाइज क्वालिफाई द सेकेंड लेवल, ठीक है। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सेकंड लेवल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, जो कि एग्जाम होगा 11 फरवरी को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि 11 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम होगा। ये वीडियो मैं 12 तारीख को शूट कर रहा हूँ, यानी अभी एक महीने हैं, ठीक है। इन द एडिशन इन द अबव स्टूडेंट ऑल्सो क्वालिफाई विद द सेकेंड लेवल, ये जो है सेकेंड लेवल के लिए क्वालिफाई रहेंगे। क्लास टॉपर वेयर एटलीस्ट 10 स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास अपेयरिंग द SOF IMO एंड स्कोर 50% और मोर देन मार्क्स। टॉप 25 होल्डर क्लास वाइज फ्रॉम ईच जोन, हर एक जोन से टॉप 25 बच्चे सेलेक्ट होंगे। इन केस ऑफ स्टूडेंट टोटल मार्क्स आर मोर देन टोटल कट ऑफ मार्क्स अबव, सी विल बी द क्वालिफाई फॉर द सेकेंड लेवल। यानी ये कह रहा है कि अगर आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, जो भी सेकेंड लेवल के मार्क्स हैं, जो भी ये क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है, अगर आपके इससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप क्या होंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे लेवल 2 के लिए, ठीक है। तो लेवल 2 के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। इन केस स्टूडेंट टोटल मार्क्स आर लेस देन द टोटल कट ऑफ मार्क्स, अगर आपके टोटल जो भी मार्क्स हैं अगर उससे कम आ रहे हैं, तो सुनिएगा जरा गौर से, कि द अबव सी ही विल नॉट क्वालिफाई द सेकेंड लेवल, यानी आपको जो है सेकेंड लेवल के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। अगर आपके जो भी कट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं अगर उससे आपके कम आ रहे हैं तो आपको सेकेंड लेवल के लिए क्वालिफाई नहीं दिया जाएगा, ये बात सुन लीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ये बात लिखा गया है, इन्होंने लिखा है कि इन केस द स्टूडेंट द टोटल मार्क्स आज इक्वल, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि अगर हमारे बराबर बराबर आ गए, अगर उन्होंने जो कट ऑफ दिया है वो और मेरे जो नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे। तो देखिएगा, इन केस ऑफ स्टूडेंट टोटल मार्क्स आर द इक्वल टू द टोटल कट ऑफ मार्क्स अबव, सेक्शन वाइज मार्क्स विल बी द कंसीडर टू डिटरमाइन द सेकंड लेवल क्वालिफिकेशन विद ईच द सेक्शन हैविंग द डिफरेंट वेटेज। अब देखो, अगर इक्वल नंबर आ गए, अगर आपके क्या हैं इक्वल इक्वल नंबर आ रहे हैं, बराबर आ गए, जैसे कि मान लो कि मैंने क्लास इधर देखो, मैंने ये जो बताया क्लास 3rd के लिए 33 नंबर जो है वो पास मार्क्स, मतलब ये कट ऑफ है, ये क्लास 3rd के लिए था, ठीक है, ये क्लास 3rd के लिए था कि इतना अगर नंबर आ रहा है तो आप क्या हैं क्वालिफाई हैं। तो अगर मान लो किसी बच्चे के 33 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, तब किस पे डिसाइड किया जाएगा, तब ये डिसाइड किया जाएगा M1 M4 M2 के विहाब पे, कि उसके इसमें इतने कितने नंबर आ रहे हैं, किसमें कितने नंबर आ गए, इसमें से एक दो भी नंबर अगर इसके अकॉर्डिंग मैच कर गया तब भी आप क्वालिफाई कहलाएंगे, ठीक है भाई। तो ये कहानी थी हमारी कि कौन कौन क्वालिफाई है कौन कौन नहीं है। तो इसका रिजल्ट जो है कब आ रहा है, 23 तारीख को आ रहा है, इसी 23 जनवरी को आ रहा है, 23 जनवरी 2024 को आ रहा है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को जो है रामलला में जो है अयोध्या में जो है वो अयोध्या में जो है रामलला की जो है पूजा अर्चना होगी और वहाँ पे जो है उनका आगमन होगा अयोध्या में 22 तारीख को, और 23 तारीख को जो है आपका रिजल्ट आएगा, यानी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी रामलला अयोध्या में। तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है आप एकदम तहे दिल से जाइएगा रामलला के मंदिर में, अगर नहीं जा पाए उस दिन तो घर बैठे बैठे दर्शन कर लीजिएगा, दर्शन करके भगवान श्री राम जी से ये मनाइएगा कि हमारा रिजल्ट आ जाए, क्योंकि उसके अगले दिन ही भैया आपका रिजल्ट है, 23 तारीख को आपका रिजल्ट है। तो 23 तारीख के लिए तैयार रहिएगा डट के। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो इसके लिए आपको इंतजार नहीं करना है, तब क्या करना है आपको प्रिपरेशन में लग जाना। आप तैयारी कैसे करेंगे भाई, तैयारी के लिए मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक और शानदार बैच। ये बैच रहेगा IMO लेवल 2 एग्जाम के लिए, ठीक है, यानी जो भी बच्चे IMO लेवल 2 को देंगे, अभी भी एक महीना है,
3 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों का, 11th 12th इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि क्लास 3 से लेके क्लास 10 तक के लिए रहेगा। इसमें मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर जो है मैं खुद कराऊंगा, मैं मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर खुद कराऊंगा। इसका जो प्राइस रखा गया है वो 699 रुपये रखा गया है। इसकी स्टार्टिंग जो कर रहा हूँ मैं 15 तारीख से कर रहा हूँ। स्टार्टिंग कब से कर रहा हूँ भाई, 15 तारीख से कर रहा हूँ। फीस रखा गया है 699। अब ये फीस सर मिलेगा कहाँ, है ना, ये फीस हम कैसे देंगे? तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर तो होगा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कहाँ जाना है भैया, प्ले स्टोर पे चले जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे जाने के बाद जो है वहाँ सर्च करना है आपको DIVIJA डिवीज़ा ट्यूटोरियल, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है उसको सर्च कीजिएगा, डिवीज़ा ट्यूटोरियल क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे आपको दो एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, दो दो ऐप होगा एक ही नाम से, ठीक है। दोनों ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब डाउनलोड करने के बाद जो है आपको ऐप को ओपन करना है। ऐप जैसे ही ओपन कीजिएगा मेरा फोटो आएगा और उस ऐप के अंदर आपको क्या मिलेगा, उस ऐप के अंदर आपको एक ओलंपियाड करके मिलेगा, ओलंपियाड पैड करके मिलेगा और एक ओलंपियाड फ्री मिलेगा। तो जो भी ओलंपियाड पैड वाले होंगे उसमें क्या करना है भैया, आपको जाना है ओलंपियाड करके होगा और उसमें जो है आपको ऐसे लिखा होगा ओलंपियाड कोर्स पैड, ठीक है। इसमें आपको करना पड़ेगा क्लिक, जैसे ही आप उसमें क्लिक कीजिएगा तो आपके पास सबसे ऊपर एक आ रहा होगा IMO लेवल 2। सबसे ऊपर क्या दिख रहा होगा आपको, IMO लेवल 2 दिख रहा होगा और IMO 2 लेवल में जाना है आपने, और लेवल 2 में जाके आपको वो सब्सक्रिप्शन ले लेना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें लिखा होगा, एप्लीकेशन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, ठीक है। तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। IMO करके आया होगा, न्यू बैच लिखा होगा, उसमें जाइएगा 699 रुपये में मैं आपको कराऊंगा। पूरे 2 महीने तो है नहीं अपने पास, जितने भी दिन हैं मतलब आपके पास पूरे अभी जो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास जो है पूरे अभी 1 महीने के आसपास है, तो आप 1 महीने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 1 मंथ के लिए, 1 मंथ में आपको मैं क्या कराऊंगा जरा सुन लीजिएगा। ईच क्लास, क्लास 3rd क्लास 4th के लिए जो है 5 मॉक टेस्ट रहेंगे, 5 मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है। 5 मॉक टेस्ट में एक मॉक टेस्ट में आपके पास जो रहेंगे क्वेश्चन वो 35 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये क्लास किसके लिए मैंने बताया, क्लास 3rd और 4th के लिए भी प्राइस सेम रहेगा 699 रुपये। इसमें 5 मॉक टेस्ट कराऊंगा, 35 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 35 × 5 कर लीजिए, 25 × 5 कैरी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 15 × 16 = 17, मतलब 150, 175 के आसपास आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा उसमें, ठीक है। और बकायदा मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करके दिखाऊंगा पूरा, और आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी आफ्टर क्लास। ये क्लास 3rd और 4th के लिए मैंने बात किया। वैसे ही अगर आप क्लास 5th से लेके, क्योंकि आपको भी पता है कि क्लास 5th से आगे जो बढ़ते हैं हम लोग वहाँ पे क्या होता है, तो क्लास 5th से लेके क्लास 10th तक के लिए कितने क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे जो एग्ज़ाम आप दीजिएगा तो 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसी के विहाप पे मैंने 50 क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाई है। इसमें भी आपको क्लास 5th से लेके क्लास 10th तक, ठीक है, क्लास 5th से लेके क्लास 10th तक के कितने रहेंगे भैया, इसमें भी आपको 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट का मतलब 5 सेट मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट भी बोल दीजिए या इसको 5 सेट बोलिए, ठीक है। 5 सेट मिलेगा और इसमें आपको क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन ईच सेट, यानी एक सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 सेटों रहेगा, 25 यानी 250 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहतर रहेंगे। ये 250 क्वेश्चन की जो फीस है वो 699 रुपये है, और मैं आप लोगों को एक एक दिन में एक एक मॉक टेस्ट दे दूंगा, या 2 दिन में एक दे दूं या 3 दिन में, वो आपके ऊपर है कि आपको कितने में देखना है उसको, है ना। अगर आप एक दिन में 50 क्वेश्चन देख रहे हैं तो बिल्कुल देखिए, उसका सॉल्यूशन कीजिए, सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा उसको देख लीजिएगा, और उसकी PDF भी आपको ऐप पे मिल जाएगी, और ऐप पे उन्हीं बच्चों को PDF भी मिलेगी जो बच्चे ऐप में पैसे दे के आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करना है। कोई दिक्कत कोई समस्या आ रही है आपको, इन केस की अगर सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ बता दीजिए कैसे क्या होगा, तो आप जो हैं मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं,
ठीक है, वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आप मेरे को वहां पे कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी मैसेज भी कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बैच लेवल 2 के एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बेहतर बैच रहेगा, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या मैं कराऊंगा, और कट ऑफ के हिसाब से अगर आपका उस तरीके से आ रहा है कट ऑफ, तो बिल्कुल हो जाइए रेडी, क्योंकि आज है 12 तारीख। अगर 2-3 दिन में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल प्लान करके 699 रुपये में मैंने ये कोर्स का प्राइस रखा है, 699 दीजिए। और इस मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सेट होगा, उस सेट के साथ जुड़ जाइएगा। यहाँ पे 5 सेट हर एक क्लास के लिए कराऊंगा, क्लास 3 के 5 सेट, क्लास 4 के 5 सेट, क्लास 5, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सबके 5-5 सेट होंगे। क्लास 3 और क्लास 4 के लिए 1 सेट में 35 क्वेश्चन रहेंगे, और क्लास 5 से लेके क्लास 10 तक के 1 सेट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कौन से रहेंगे सर जी? क्वेश्चन जो रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि अब जो है लेवल 2 में अचीवर सेक्शन जो होगा वो और मैथमेटिक्स ही 2 आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग उसमें नहीं आएगी, तो सब जो होगा वो मैथमेटिक्स का ही होगा। और ये पूरा जो होगा मैं प्रीवियस सब कुछ को इकट्ठा करके लेवल 1 लेवल 2 को सबको मिक्स करके मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लेना है, खरीदना है, तो 699 में आप खरीद सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, कट ऑफ मार्क्स भी आपको दिख गया होगा। 15 तारीख से ये बैच स्टार्ट कर दूंगा मैं, तो 15 तारीख के पहले अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो सही में पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो, नई क्लास, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों।